अब आगे बढ़ते हैं। मणिपुर कांड पर लगातार हंगामा हो रहा है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, आपको वहां से आ रही तस्वीरें दिखाते हैं। मणिपुर कांड पर लगातार हंगामा और इसी को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है मणिपुर कांड को लेकर। हंगामा लगातार सदन से लेकर के सड़क तक आप देख रहे हैं। दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, हल्ला बोल किया जा रहा है यूथ कांग्रेस की तरफ से और लगातार इंसाफ की मांग हो रही है मणिपुर कांड को लेकर। ये बड़ी खबर, मणिपुर कांड को लेकर सड़कों पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से उतरे हैं, ये उसी की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इन कार्यकर्ताओं को रोका है। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। हमारे संवाददाता जैनेन्द्र कुमार इस वक्त लाइव कनेक्ट है, वो इस हंगामे और प्रदर्शन के बारे में और विस्तार से जानकारी देंगे। जैनेन्द्र, क्या देख रहे हैं आप, कितनी संख्या में है कांग्रेस के ये कार्यकर्ता और क्या चल रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए मॉनसून सत्र का पहला दिन है और कांग्रेस आज सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर सदन से के अंदर से लेकर बाहर तक घेर रही है। सदन के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के सामने मणिपुर के मुद्दे पर नारेबाजी की है, प्रधानमंत्री के बयान की मांग की है सदन के अंदर, और वहीं सड़क पर महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद के पास ही जहां यूथ कांग्रेस का दफ्तर है वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। समझते हैं इन लोगों से कि रणनीति क्या है। प्रधानमंत्री ने बयान तो दिया, आप लोग किससे फिर बयान की मांग कर रहे हैं? और देखिए, क्या 8 मिनट के आज प्रधानमंत्री के भाषण में सिर्फ ये कहना कि मणिपुर में जो दुर्घटना हुई है उसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? क्योंकि वहां 2 सिर्फ लोकसभा सीटें हैं, क्या आपकी प्रायोरिटी लोकसभा सीटों को देख के प्रदेश के लिए बनती हैं? और मैं ये भी पूछना चाहूंगा, जब 3 महीने से देश जल रहा था, मणिपुर जल रहा था, तो कल की वीडियो आने के बाद ही आपका बयान क्यों आया? आपकी विदेश नीति ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, आप फ्रांस जाते हैं, डील करते हैं। आप खुद एक महिला है, जिस तरह से वीडियो आया है काफी विभत्स है और लोग शर्मसार हैं वो देखकर, एक महिला के तौर पर आप क्या प्रतिक्रिया? आप देखिए, पूरा देश शर्मसार है जिस तरीके से वीडियो आया है। वीडियो ठीक है, जनरल आ गई बात इन कार्यकर्ताओं की और ये असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए, इन तस्वीरों के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।